ऐसे जी अस्पताल के साथ संलग्न वैसे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों द्वारा पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आज आर्थिक परेशानी को बयां करते हुए विरोध धरना प्रदर्शन किया गया। ऐसे जी अस्पताल के साथ संलग्न वैसे मेडिकल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों द्वारा पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिलते हुए आज कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन किया गया। वेतन से वंचित और आर्थिक परेशानियां झेल रहे वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड तीन और चार वर्ग के कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग करते हुए आज कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भारी सूत्रोच्चार लगाए गए। तो वहीं आने वाले दिनों में नियमित रूप से वेतन नहीं चुकाने पर हड़ताल पर उतरने की भी चेतावनी दी गई। आज दूसरे दिन लगातार हड़ताल का पालन करते हुए कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें रखी थी। कर्मचारियों का कहना था कि वर्ग एक और दो के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता है। तो वहीं सालों से कॉलेज में डीजे नाकरानी और एमजे सोलंकी मैन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कई कर्मचारियों को लंबे वक्त से काम करवाने के बावजूद आर्थिक शोषण के साथ नियमित रूप से वेतन नहीं चुकाया जा रहा, जिसकी सीधी असर कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक परेशानी भुगतनी पड़ रही है। पहले से ही महंगाई के दौर में आर्थिक वेतन नहीं मिलने के कारण वे लोग काफी चिंतित हैरान परेशान हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दो दिनों के अंदर वेतन चुकाया जाएगा वैसे लॉलीपॉप देते हुए हर बार की तरह इस बार भी उन्हें लुभावनी लालच दी गई। वहीं पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिलते हुए आज तमाम कर्मचारियों ने अपनी वेदना को व्यक्त करने के साथ कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सूत्रोच्चार लगाते हुए अपना पक्ष रखा था। અમે વર્ગ 3ના કર્મચારી છે, ડીજી નાકરાણીમાંથી કામ કરીએ છીએ। અમે અમારા 2 મહિનાથી છેલ્લે પગાર થયો નથી। વર્ગ 3 અને 4નો છેલ્લા 2 મહિનાથી પગાર થયો નથી। એ કેટલે જેન્ટ્સ લેડીઝ બધાને ઘરમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે ચલાવવામાં, ઘર ચલાવવામાં। છેલ્લા મેં અમારી એટલી જ માંગ છે કે અમારે 1-5માં પગાર થવો જોઈએ। બધાને એ જ છે કે અમે કેટલી વાર સ્ટ્રાઇક કરી ચૂક્યા છીએ પણ અમને હજી કોઈ રિઝલ્ટ મળ્યું નથી। અમારે 2 મહિના થઈ ગયા છે, 27 તારીખ હજુ કોઈનો પગાર થયો નથી આમાંથી। અમારો પગાર હજુ સુધી થયો નથી। આજે 28 તારીખ થઈ છે, ગયા મહિના તો થયો જ નથી અને આ મહિના તો હજુ આર જ છે પગાર। એટલે અમારો પણ 1-5 માં થઈ જવો જોઈએ। ક્લાસ 1-2 નો થાય છે તો અમારું કેમ નહીં? અમારા વર્ગ 3માં અને વર્ગ 4માં ટોટલ મળીને 250-300 કર્મચારીઓ છે અમે લોકો, અને બધાને ઘર ચલાવવામાં તકલીફ થાય છે। એવું નથી કે કોઈને નથી, બધા કઈ એમને એમ નોકરી નથી કરતા, બધાને તકલીફ છે ઘરે, એટલે નોકરી કરીએ છીએ। ફાલ્ગુની।